गाड़ी एग्जैक्टली स्ट्रेट है, देखो मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ, देखो गाड़ी अपने आप जा रहा है स्ट्रेट। उसका लाइन है जो मिडिल का लाइन एग्जैक्टली उसका सेंटर से, इसको मेरे को ओवरटेक करना है बाई तरफ, ऐसा इतना घुमाया फिर से ऐसा ऐसा जा रहा हूँ, मैच हो रहा है और हो गया, बस इसको घुमा देना। स्टीयरिंग को देखो ऐसा कर रहा हूँ मैं, स्टीयरिंग गाड़ी उधर जा रहा है, फिर से ऐसा किया, उसके साथ भी इधर भी देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, ठीक है, ऐसा एकदम इधर उधर नहीं हो रहा है, जब दरकार पड़ेगा तब मेरे को इसको घुमाना है। ऐसा आया, ठीक है, दाहिने तरफ उसको मैं जगह दिया, फिर से बाई तरफ घुमा। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही बिजी रास्ते के अंदर स्टीयरिंग का कंट्रोल। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं गाड़ी को स्टार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्किंग भी है, तो इस मार्किंग के साथ हम लोग स्टीयरिंग को कितना घुमाएंगे उसको देखो, और राइट एंड लेफ्ट साइड के साथ स्टीयरिंग को बैलेंस कैसे करना पड़ता है ऐसे रास्ते के अंदर उसको बहुत ही ध्यान से देखो, कितना मैं स्टीयरिंग को स्टीयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग किया था जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखे थे, यानी कि राइट लेफ्ट एकदम दोनों साइड का कंट्रोल, ठीक है, उसके साथ कितना स्टीयरिंग डायने जा रहा है, तब मेरे को कितना उसको बाय लेना है फिर से, नहीं तो फिर से कब मैं बाय जा रहा हूँ उसके साथ कितना डायने लेना है, ठीक है। तो सब कुछ बारीकी से देखो, बहुत ही ध्यान से एकदम मन लगा के देखो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेरा स्टीयरिंग है, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग किया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, ठीक है। अभी ये जो मार्किंग है इसके साथ सामने जो दो मार्किंग आप लोग देख सकते हो, दोनों मार्किंग सीधा, ये मेरा रास्ता है, ठीक है। गाड़ी जहाँ पे रास्ता खाली मिलेगा उस खाली रास्ते के अंदर मेरे को गाड़ी को घुसाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी दाहिने तरफ बहुत ही रश है, बहुत ही बिजी रोड है, तो कितना मैं डिस्टेंस छोड़ रहा हूँ, यानी कि जो मेरा पिलर है, ये मेरा स्टीयरिंग है, इसका एग्जैक्टली सेंटर पे एक निशान लगाना है, और ये निशान सीधा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा, और आप लोगों को देखना है ऐसा बाहर की तरफ। अभी जो भी गाड़ी आ रहा है उसको मेरे को रखना है इस लाइन से बाहर, ठीक है, इस लाइन से बाहर रखना है इसको, स्टीयरिंग को इधर करके। सेम उसी तरह बाई तरफ जो भी गाड़ी है मेरे को मिडिल से बाई तरफ रखना है, मगर यहाँ पे क्या लाइन है दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन दोस्तों, ये स्टीयरिंग से ना लगभग 2 इंच छोड़ के, नहीं तो 1 इंच छोड़ के लाइन लगा दो यहाँ पे, ये मेरा एग्जैक्टली गाड़ी का जाने का रास्ता है, ठीक है। और जो भी गाड़ी को मेरे को ओवरटेक करना है उस गाड़ी को मिडिल से बाई तरफ देखना है, इधर पे बैठ के ड्राइवर के सीट पे बैठ के। उसके बाद जब भी हम लोग उस गाड़ी को ओवरटेक करेंगे ना, वो गाड़ी आप लोग देखेंगे जब भी मैं इसको ओवरटेक करूंगा कोई भी गाड़ी को, वो गाड़ी इधर पे रहेगा, यानी कि एग्जैक्टली इधर पे। ये जो निशान है ये मेरा गाड़ी का लेफ्ट का व्हील है, सामने जाके उधर पे लेफ्ट का व्हील है, इधर पे राइट का व्हील है, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मेरा गाड़ी को बचाना है दाएं और बाएं, ठीक है। उसके साथ रास्ते को भी देखना है और स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एकदम स्लो 2 नंबर गियर धीरे धीरे जा रहा है गाड़ी, मेरे को आगे और नहीं जाना है। अगर यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा तो इसको 1 नंबर गियर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ब्रेक पे नहीं दे रहा, गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है, रोल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्टीयरिंग मेरा सीधा है एग्जैक्टली, अभी स्टीयरिंग का कंट्रोल यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को सीधा जाके बाएं जाना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एकदम स्लो, और भी स्लो, ठीक है, जा रहा हूँ बाई तरफ, जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इसको मेरे को अगर ओवरटेक करना है, मेरे को पहले सामने देखना है कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं, उसके बाद ये गाड़ी को देखना है, सबसे पहले सामने देखना है ओवरटेक करने के दौरान, उसके बाद मेरे को बाई तरफ देखना है इस मिडिल से बाई तरफ गया है या नहीं, और उसके बाद अगर गाड़ी बड़ा है, समझ लो ये ट्रक है, इसको मेरे को ओवरटेक करना है, तो इसको हमेशा मिडिल से बाई तरफ नहीं, इसको इस लाइन से बाई तरफ रखना है, क्योंकि उस गाड़ी का साइज चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। तो गाड़ी के हिसाब से, यानी कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से उसको साइड देना पड़ेगा। अभी देखो स्टीयरिंग मेरा सीधा है, यहाँ पे पूरा हल्का दबा के एक्सेलरेशन, ठीक है, ज़्यादा नहीं हल्का, मगर देना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई था। देखो अभी 3 नंबर गियर, अभी देखो मेरा स्टीयरिंग ना थोड़ा ऐसा है, देखो अभी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और मेरा ये जो स्टीयरिंग है, देखो हल्का ऐसा जा रहा है गाड़ी उधर जा रहा है, तो बैलेंसिंग इधर भी करना पड़ेगा, मेरा गाड़ी देखो उधर जा रहा है मेरे को पता है, तो इसलिए हल्का सा डाइन है। ये मार्किंग कर दो, आप लोगों को पता चल जाएगा आपका गाड़ी का दिशा, यानी कि गाड़ी का जो मुंह है उसके हिसाब से जो कि गाड़ी का व्हील है वो कौन सा दिशा पे जा रहा है, ठीक है। अभी देखो मेरा गाड़ी 3 नंबर गियर पे है, गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का एकदम स्ट्रेट है, मेरे को हल्का बाय लेना है, गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, हल्का बाय, तो गाड़ी उधर चला जाता है, तो इसीलिए हल्का डाइने लेना है जाने जाके ऐसा। तो यहाँ पर जो मैंने किया ये है स्टीयरिंग बैलेंसिंग, ठीक है, देखो ऐसा जा रहा हूँ, गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, देखो फिर से इधर गया, जाते ही मेरे को डाइने करके सीधा, तो ये है स्टीयरिंग बैलेंसिंग, ठीक है। देखो अभी फिर से मेरे को 5 नंबर लगाना है। अभी देखो ये जो सफ़ेद लाइन है, ठीक है, और ये जो मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्टली सामने जाके व्हील है, राइट का व्हील है, ठीक है, और उधर पे जो सफ़ेद लाइन है बाई तरफ पे, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर से इस मिडिल को लेके जा रहा हूँ, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और भी थोड़ा जा सकता हूँ, इधर पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील है एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ ओआरबीएम पे मेरे को दिख रहा है कितना स्पेस बाई तरफ है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मेरे को पता है मेरा स्टीयरिंग एग्जैक्टली सीधा है,
और उसके साथ कितना दाहिने तरफ स्पेस है इस लाइन के साथ और कितना बाएं तरफ स्पेस है मेरा व्हील के साथ। यानी कि हमेशा ऐसा सोचना है आप लोगों को, यानी कि व्हील के साथ रास्ते का किनारा नहीं तो रास्ते का मिडिल नहीं तो रास्ते के अंदर कोई गाड़ी जा रहा है उसके साथ कितना डिस्टेंस है, और स्टीयरिंग को उसके ऊपर डिपेंड करके घुमाना है। ठीक है, सिंपल। देखो इधर पे मैं देख रहा हूँ, एक लाइन इधर पे, इधर एक लाइन इधर पे है, तो मेरे को मेरा टारगेट अभी ऐसा रहेगा, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करना है, दोनों तरफ पे सेम स्पेस रख के चलाना है गाड़ी, सेम स्पेस, उसको चेंज नहीं करना है, यानी कि स्टीयरिंग को सीधा रखना है। ठीक है, अभी देखो सामने जो भी गाड़ी जा रहा है, अगर मैं इसको, ये देखो ये जो रिक्शा जा रहा है सामने, एक वैन जा रहा है, मैं उसको इधर पे देख रहा हूँ, मगर उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है ना वो थोड़ा बाएं तरफ है, तो हम लोग गाड़ियों को ना दाहिने तरफ ज़्यादा देखते हैं। देखो मेरे को इधर पे ब्रेक लगाना है क्योंकि दाहिने तरफ से गाड़ी आ रहा है, मैं ऐसा करके ओवरटेक करके जा नहीं सकता। ठीक है, ओवरटेक हमेशा ऐसा बिजी रास्ते के अंदर नहीं करना है। ठीक है, देखो अभी उसको मैंने ओवरटेक किया, इससे बाहर चला गया। ठीक है, देखो अभी सामने जाकर देखो इस वैन को मैं ओवरटेक करता हूँ। याद रखना ये चीज़ दोस्तों, देखो मैं इस वैन को इधर पे देख रहा हूँ मगर उसका ओरिजिनल पोजीशन को देखो, इधर पे काफ़ी दूर है मेरे से। ठीक है, यानी कि इस लाइन से बाहर है, हम लोग स्टीयरिंग पे हाथ भी नहीं दिया, क्रॉस करके जा सकते हैं। देखो ऐसा निकल गया। ठीक है, तो हल्का मैं बाई तरफ आ रहा हूँ, स्टीयरिंग को देखो ऐसा कर रहा हूँ मैं, स्टीयरिंग गाड़ी उधर जा रहा है, फिर से ऐसा किया, स्ट्रेट किया, ये है बैलेंसिंग। ठीक है, अगर मेरे को दाहिने जाना है, मैं दाहिने जा रहा हूँ, देखो ऐसा जा रहा हूँ। ठीक है, फिर से ऐसा इधर आ गया, स्ट्रेट किया। अभी दाहिने में कितना जा सकता हूँ दोस्तों, कैसे पता चलेगा गाड़ी इतना दूर तक जाना है, उसके बाद जो भी स्टीयरिंग इसको घुमाना है, सिंपल है दोस्तों। जब भी ये जो पिलर का कॉर्नर है ना, जो भी रास्ता का जो किनारा है उसके संग टच करने जा रहा है, यानी कि मैच हो रहा है, यानी कि देखो ऐसा, ये देखो ऐसा जा रहा हूँ, मैच हो रहा है और हो गया, बस इसको घुमा देना है और ओवरबिम पे देखना है कितना जगह है। ठीक है, मिडिल का जब भी हम लोग बाएं तरफ जाएंगे मिडिल को देखना है। ठीक है, तब इसको इधर घुमाना है, यानी कि जब भी हम लोग गाड़ी राइट से लेफ्ट जाएंगे स्टीयरिंग को बैलेंस करेंगे इधर करके, और जब भी हम लोग दाहिने जाएंगे इस पिलर को देखना है, इस कॉर्नर को देखना है। ठीक है, अभी देखो मेरे को बाएं तरफ जाना है, मैंने पीछे देखा, सबसे पहले ओवरबीम देखा, इंडिकेटर दिया। ठीक है, बाएं तरफ जा रहा हूँ, बाएं तरफ पूरा क्लियर है, जा सकता हूँ, बस और जा सकता हूँ। इस पिलर, ये जो लाइन है ना, इसको आप लोग किनारा समझो। ठीक है, मैं इसके संग संग गया। ठीक है, अब इसके साथ मैच हो गया, मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दिया, सिंपल, इंडिकेटर को ऑफ कर दिया। ठीक है, ऐसे हल्का सा ब्रेक किया, यहाँ पे रोड क्लोज है तो मेरे को बाई तरफ जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रास्ता एक ही है इधर पे। गियर कम किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा। ठीक है, देखो गाड़ी देखो उधर जा रहा था, इसलिए हल्का मेरे को बाय लेना है, इसको सीधा किया। ठीक है, उसको मैं ओवरटेक किया, इधर भी डिवाइडर नहीं है, कुछ स्लैब है। ठीक है, तो इस स्लैब के साथ गाड़ी टच ना हो, मेरे को देखना है दाहिने तरफ। ठीक है, और स्टीयरिंग को वैसे ही रखना है, अगर ज़्यादा मैं इसके साथ साथ जा रहा हूँ तो इसको बाई तरफ करना है। हॉर्न दिया, उस बाइक को इस लाइन से बाहर रखा। ठीक है, देखो ब्रेक किया, रास्ता है दोनों दिशा पे, गाड़ी जा रहा है तो इधर पे रोकना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रुका, चला गया भाई, बहुत बड़ा गड्ढा था यार। तीन नंबर गियर, फिर से थोड़ा सा मैंने गाड़ी को खींचा, स्टीयरिंग को मैंने फिर से सीधा रखा। ठीक है, देखो ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो फॉलो करो, यहाँ पे तीन नंबर गियर किया, ब्रेक किया। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कूटी जा रहा है कहाँ पे, देखो मिडिल पे दाहिने तरफ है, उसको ओवरटेक करना है। ठीक है, चला गया तो बाई तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता आ गया। ऐसे रास्ते के अंदर जब भी आप लोग जाओगे, गाड़ी का जो भी मार्किंग है उस मार्किंग को करो और इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपके घर से दूर को भी सामने ये सब रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ पे खींचा हुआ लाइन रहेगा रास्ते के ऊपर, ये जो भी लाइन रोता है दोस्तों, ये नए ड्राइवर को बहुत हेल्प करता है गाड़ी चलाने में। ठीक है, और इसको ही प्रैक्टिस क्या करो, जितना हो सके ये जो लाइन है दोनों, ये जो बाई तरफ का लाइन है, जो मिडिल का लाइन, एग्जैक्टली उसका सेंटर से जाओ। ठीक है, इसका प्रैक्टिस ज़रूर किया करो। और ये जो 12 का पोजीशन दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग इधर पे एक मार्किंग कर दो, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मार्किंग करने से क्या होगा, जो भी गाड़ी है आपका, आप लोगों को पता चल जाएगा, हाँ ये जो है मेरा पॉइंट है, 12 का पोजीशन है, इसके साथ ये कितना मैच कर रहा है, यानी कि कितना इधर जा रहा है कितना उधर जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ भी इधर भी देखना है, इधर देखना है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली।
यानी कि सिर्फ सिंपल बात है, कितना गाड़ी का व्हील बाय और डायने हो रहा है जो भी गाड़ी का फेस के हिसाब से। यानी कि अगर आप लोग पिलर को देखते हो, डायने का पिलर, बाय का पिलर, पिलर को देख के जजमेंट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो आप लोगों को जाएगा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? तो इसीलिए पिलर को देखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इधर पे देखना है ऐसा, ठीक है? इसको मेरे को ओवरटेक करना है बाई तरफ से, ओके, निकल गया सिंपल। ऐसे रास्ते के अंदर हम लोग, यानी कि सिंगल रास्ते के अंदर हम लोग बाई तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, देखो मेरा स्टीयरिंग को देखो, एग्जैक्टली स्ट्रेट है, एकदम इधर उधर नहीं हो रहा है। जब दरकार पड़ेगा तब मेरे को इसको घुमाना है, ठीक है? देखो इस गाड़ी को देखो, मैं इसको इधर पे देख रहा हूँ, मगर वो गाड़ी मेरे से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, मेरे गाड़ी से ही दूर है वो, ठीक है? ऐसा आ गया इधर पे, फिर से मैं बाई तरफ आ रहा हूँ, ओके, बस इसको घुमा दिया, ऐसे जा रहा हूँ, देखो ऐसे, फिर से इधर। प्रैक्टिस को देखो, ऐसे करो प्रैक्टिस, ठीक है? मिडिल के साथ ऐसे जो किनारा लाइन है, आ गया ऐसा, आ गया, फिर से मेरे को इसको इधर पे घुमाना है, ठीक है? ऐसा, इसको देखो ऐसा, इतना घुमाया, फिर से ऐसा बाई तरफ आ गया मैं, ठीक है? फिर से ऐसा घुमा दिया, इसको स्ट्रेट रखा मैं, स्ट्रेट हो गया गाड़ी। अभी देखो, पहले सीधा रास्ते में चलाओ दोस्तों, ठीक है? अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप लोग सीधा रास्ते के अंदर चलाओ, एकदम हाथ को सेट कर लो, क्लच वगैरह सब कुछ सेट कर लो, उसके बाद आप लोग नॉर्मल भी रास्ते के अंदर जाओ, ठीक है? और मेरा क्लच कंट्रोल के ऊपर अलग सा वीडियो है, उसको प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। यहाँ पे देखो एक स्कॉर्पियो मेरे को जोर से आ रहा है, ठीक है? ओवरटेक कर रहा है, तो मेरे को देखना है उसको, चला गया, जा सकता हूँ। बाई तरफ देखो ऐसा, फिर से इतना स्ट्रेट, ठीक है? मैं हमेशा, आप लोग देख सकते हो, मैं हमेशा गाड़ी को स्ट्रेट रख रहा हूँ, इसको इधर उधर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इट्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट चल रहा है गाड़ी, ठीक है? देखो एकदम सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एग्जैक्टली स्ट्रेट है। देखो मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ, देखो गाड़ी अपने आप जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है? और मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बाई तरफ से जा रहा हूँ, ये जो लेने डाइने तरफ पे फास्टर लेने, ठीक है? देखो मैं बाई तरफ आ गया फिर से, ऐसा चलाना है, देखो फिफ्थ गियर पे गाड़ी है, ठीक है? रास्ता बहुत ही अच्छा है, इट्स स्टेडी, पूरा स्टेडी है, देखो ठीक है, स्टीयरिंग स्टेडी है, गाड़ी भी स्ट्रेट है। इस मार्किंग को कर दो आप लोग, इस मार्किंग को करने से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा स्टीयरिंग के साथ व्हील का मूवमेंट कितना हो रहा है डायने और बाई तरफ, ठीक है? हल्का ब्रेक किया मैंने, चार नंबर गियर, इसको ओवरटेक करना है, इससे इस कॉर्नर से बाई तरफ है वो, ठीक है? जा सकता हूँ, नहीं उधर पे डिवाइडर है मिडिल पे, ठीक है? ऐसा, इससे ऐसा, ठीक है? देखो इसको देखो, ऐसा निकल गया, यहाँ पे देखो ऐसा आया, ठीक है? डाइने तरफ उसको मैं जगह दिया, फिर से बाई तरफ घुमा दिया, ठीक है? ऐसा, ऐसा आ गया, ओके परफेक्ट। ब्रेक लगा दिया, थोड़ा सा गाड़ी उधर उधर जा रहा था, अभी ऐसा करके इधर आ गया, ऐसा बाई तरफ गया मैं, ओके फिर से इसको ऐसा इतना घुमाया, अभी देखो यहाँ पे ऐसा, गाड़ी उधर जा रहा था तो इसलिए हल्का डायनेमिक किया, स्टीयर किया, अभी यहाँ पे इसको ओवरटेक करके मेरे को सीधा चला जाना है, ठीक है? तो एकदम सिंपल क्लियर कट वीडियो है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी वीडियोज़ है उसको ज़रूर देखो, ठीक है? इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करो, जितने भी वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, अलग अलग वीडियोज़ है, क्लच कंट्रोल, रिवर्स गियर, नाइट ड्राइविंग, सब कुछ, ठीक है? तो चलो यार, इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत ही जल्द,
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइव एंड सेव लाइफ दोस्तों, बाय बाय।